तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 3 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। Drinking is injurious to health. इतना बेहतरीन सजाया है भाई, देखो। हाँ भाई, बहुत सजाया है। इंटरनेशनल डांसर यहाँ पे आकर डांस करते हैं, काफी अच्छा खासा तमाशा है, चलना वहाँ पे। हम लोग अगर दुनिया की तरफ देखते हैं तो दुनिया सिर्फ इनकी तरफ देखती है। ऐसे नृत्यांगना हमारे शहर में आकर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। क्या बढ़िया नाचती है यार। भाई क्या हो रहा है वहाँ? हाँ सर, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, नो सर, यहाँ सब ठीक है सर, हम लोग यहीं पे हैं सर। वहाँ पर क्लासिकल डांस का प्रोग्राम चल रहा है, सब लोग क्लासिकल ही होंगे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक काम करो, जाओ और इन्फॉर्मर से मैसेज कलेक्ट करो। ओके सर। हाँ चलो यार, थोड़ा घूम के आते हैं, आ जाओ चलो। चलो चलते हैं। देखिए सर, आप उनके जुबान में सिर्फ एक ही बात है, आप 1 घंटे तक सवालों की बारिश भी करोगे तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। इन्फॉर्मेशन मैं दूं और मलाई आप लोग खाएं? पुलिस का दिमाग क्या होता है आप उनको नहीं मालूम क्या? झुक गया तो लात मारते हैं, जरूरत पड़ा तो सलाम ठोकते हैं। सानी सदानी पानी नी बमरी मरी सा पा सा पा नी बम बरी सा का मरी सनी सतानी पानी पाम बरी सा सदा नी बा नी बम बरी सा नी बम बरी सा नी बम बरी सा। साहब जो है ना वो पहले साहब जैसे नहीं है, उनका जो हाथ है ना वो बहुत ही मजबूत है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास रहो, हम लोग है ना बाकी संभालने के लिए। मेरा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन और लास्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ दोनों आ रहे हैं, वो देखो।
ये तो वही है ना, ये प्रोग्राम छोड़कर इधर क्यों भाग रही है? ए, कौन है बे तू? हाँ, और ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। किससे बात कर रहा है तू? ड्रेस नहीं दिख रहा है क्या? हम लोग लॉ एंड ऑर्डर हैं। लॉ तुम्हारा, ऑर्डर मेरा। क्या पुलिस से दादागिरी करता है? खबरदार, चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरे। चल जा यहाँ से। अबे निकल, जाता है कि नहीं? कांस्टेबल, वहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? उसने कुछ बताया? नहीं सर, डांसर भागती हुई इधर ही आई थी सर। हाँ, भागती हुई आई थी? तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग कुछ नहीं कर पाए सर। क्यों? वो कौन था हम नहीं जानते सर। उसने मारकर हमारे एक हवलदार को सुला दिया सर। हम लोग खड़े खड़े देखते रह गए सर। पुलिस के ऊपर उसने हाथ उठाया, वो चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना मत। पुलिस के ऊपर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है उसे ये मैं बताऊं। अली जाओ। क्या चाहिए भाई साहब? तुम्हारी दुकान चाहिए। ए, भाई साहब कौन हो आप लोग? वो जो है ना, हमारा भाई है। और ये हमारा भाई है। ए, दुकान चाहे कोई भी ओपन करे, रिबन हमारे भाई के हाथों कटनी चाहिए और दुकान में भाई की फोटो लगेगी, वरना यहाँ कोई धंधा नहीं होगा भाई। सॉरी भाई साहब, मुझे पता नहीं था। अब पता चला ना, चल बाजू हट। अरे भाई सुनो भाई, मैंने 10 लाख रुपए इसमें लगाया है भाई। भाई को 3 पेटी पहुंचा दो, फिर दुकान खोल लेना। आपके भाई को मैं 3 लाख कहाँ से दूंगा? भाई हा? देखो एक लड़की भागती हुई इधर आ रही है। किधर? वो देखो। Hey. इस रेखा को अगर तूने पार किया तो तेरी जिंदगी खत्म। रेखा खींचने वाला ना ही तू लक्ष्मण है और ना ही वो सीता है। ऐसी कई रेखाएं मैं पार कर चुका हूं। खंजर माँ के सीने में घोंपने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए होता है। अगर मर्द है तो खंजर हाथ में ले, वरना अपने गले पर चला ले।
चल लक्ष्मी। न्यूज़ सड़कों पर नहीं मिलती, किसी रिजॉर्ट में जाओ मिल जाएगी। सर एटलीस्ट आप पहले से ही कोई कदम उठा सकते थे ना सर। नहीं ठीक है वो चल जाएगा। मैंने कोई सॉरी सर। मैं प्रेस वालों से बात कर रहा हूँ और तू मोबाइल पे चौंस लड़ा रहा है। यूज़लेस फेलो। हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो। सर पहले से ही अगर कोई कदम उठाया होता तो। हाँ रंगीलाल। सर क्या तुम्हें पता था मैं तुम्हें मारूंगा। नहीं सर। तुम लोगों में से किसी को भी पता था। नहीं सर। गुड। ये मेरे सामने खड़ा और मैं इसे मारूंगा आपको पता नहीं था। किसी को पता था क्या? और इसे भी पता नहीं था क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था। तो फिर उस लड़की का कोई किडनैप करने वाला है उसका हमें कैसे पता चलता। हेलो सर हम यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस देखने के लिए नहीं आए। आपका प्लान क्या है ये जानने आए। देखो किडनैपर चाहे कोई भी हो मैं उसे पकड़ कर आप लोगों के सामने पेश करूंगा। अब आप लोग ये सब बंद करो। ये क्या? मेरा मतलब क्या ये कैमरा। अरे कमाल है ये। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। कल दिन में अचानक एक अनजान गुंडे ने नाट्य मंदिर के अंदर घुसकर हमला बोल दिया। विश्वविख्यात नर्तकी का अपहरण करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। हमारे मीडिया रिपोर्टर्स भी उसके पीछे दौड़ पड़े लेकिन हम ठीक से न्यूज कवर नहीं कर पाए। आखिरकार वो गुंडा उस नर्तकी को किडनैप करने में कामयाब हो ही गया। और वो कौन है कोई भी चैनल वाले मेरा चेहरा ही नहीं दिखा रहे। जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इतना बुरा है क्या मेरा चेहरा? जल्द से जल्द किडनैपर को पकड़ के हमारे सामने लाएंगे। हाँ ठीक ठाक तो है। 101 नो डाउट। कुदरत का खेल कोई न जाने। नाम तो है पुलिस लेकिन काम चोरों जैसा है। तुम्हारी भेड़ बकरियां मुझ तक पहुंच रही हैं। तुम आओगे तो उन्हें घास खाने छोड़ दूंगा। अगर मेरे हाथ लग गई तो सीधा कसाई खाने ले जाऊंगा उन्हें। हाँ बोलो। सर मिल गया। मिल गया तो उसे यहाँ लाओ। मिल गया का मतलब किडनैपर कहाँ रहता है? वो जगह हमें मिल गई है सर। इडियट्स ये पहले बताना चाहिए था। वो किडनैपर कौन है और नर्तकी का किडनैप क्यों किया गया है ये पता लगाना अब पुलिस का काम है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है और देखते हैं कि वो उस किडनैपर को टीवी ऑफ करो है या नहीं। तुम लोग अंदर पकड़ लिया क्या? हाँ पकड़ लिए। ओके गुड आई एम कमिंग। तेरी तो आई विल किल यू। इस 60 किलो की बॉडी की ताकत तुम्हारे आधा इंच के बुलेट में नहीं है ऑफिसर। पुलिस डिपार्टमेंट को ललकारता है। स्टॉप इट। सर तुम्हारा काम हो गया ना अब जा सकते हो। सर इसने इंटरनेशनल डांसर का किडनैप किया है और ये क्रिमिनल है। मुझे सब कुछ पता है। तुम अपने सभी हवलदारों को लेकर फर्स्ट गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस। और क्या चल रहा है? सर इस तरह से फायर करके बुलेट खराब करेंगे तो कल सरकार को हिसाब देना पड़ेगा। सर सर सच में देखा तुमने एक क्रिमिनल को यहाँ पुलिस ऑफिसर सपोर्ट कर रहा है। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है लेकिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। दिखाऊंगा।
दिखाऊंगा। बोलो बोलो। बोलती क्यों नहीं? बोलो, मैंने कहा। आपने एंजॉय करने के लिए कहा था, हम उसका मतलब नहीं समझ पाए। बोलो जल्दी, बता बता, बताए कि नहीं तुम? बता जल्दी बता, और सच सच बता। तू बता, नहीं तो तेरी ऐसी हालत करूंगी कि अपने आप को पहचान नहीं पाएगी। बता बता। खून निकलते ही मां याद आ गई। क्यों? खून और पसीना जब तक नहीं बहेगा, तब तक काम की कोई कीमत नहीं मिलेगी। काम हो गया ये मायने नहीं रखता, काम कहां तक हुआ ये मायने रखता है। गेट आउट। समझते क्या है अपने आप को? एक लड़की के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है? अगर तुम किस बारे में कह रही हो? उन्हीं के बारे में। This is too much, sir. मुझे नाच बहुत ही पसंद है। उस दिन पूरा नाच नहीं देख पाया। Can you dance for me, please? Oh, नाचने के लिए संगीत चाहिए ना? Just a minute. ये क्या पागल है सर? इंटरोगेट करने की बजाय स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, ये क्या हो रहा है सर? आप कुछ करिए ना। नाचो तक दिन तू। सर, प्लीज आस्क हिम टू स्टॉप। वो किसी की नहीं सुनेगा। तक दिन ता। सर, मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। मेरे जैसा चुप रहो। नाम यूसुफ खान, इंटरनेशनल टेररिस्ट। 10 साल पहले इसने कोयंबटूर में बम ब्लास्ट किया था, ऐसा पुलिस रिकॉर्ड में है। ये एक आदमी है, इसके साथ मैं थी। माय गॉड, ही सुपर्ब, मार्वेलस। इनके साथ मैं काम जरूर करूंगी। दैट इज लक्ष्मी नारायण। वो जो भी करता है परफेक्ट करता है। तेरे बारे में सब जानता हूं। तूने पूरी दुनिया घूमी है, ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है जिसे तू नहीं जानता। तेरी लिस्ट में मुझे बता, इसे तूने कहीं देखा है क्या? वो फोटो किसका है और वो उसे क्यों दिखा रहे हैं? उनकी पत्नी का है। हाँ? उनकी पत्नी का है? किसी टेररिस्ट के साथ भाग गई है, ऐसी न्यूज है। What? इतनी बुरी थी वो? ये मुझे पता नहीं,
ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे पता है? सुबह सुबह ठंड बहुत रहती है ना? हाँ बहुत। भाई हेलो हेलो, अरे थक गई क्या? बहुत थक गई। कम ऑन, लास्ट राउंड। नो, चल फटाफट। यू कैरी ऑन, मैं जरा रेस्ट करके एक्सरसाइज करती हूँ। ओके। बिड़ो, वो आइटम देखना, नाभी तो देख, क्या मस्त सेंटर में लगी है, जाकर छूने का मन करता है यार। हाँ यार, सही कह रहा है, लगता है ऊपर वाले ने इसे मक्खन लगा के बनाया होगा यार। तुम लोग उसकी नाभी को देख रहे हो ना, उसके गले में एक मंगलसूत्र भी है, वो नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, अबे तू कौन है बे? उसका पति। मंगलसूत्र शौक के लिए नहीं पहना जाता, उसने एक गरीब की पेंटिंग बचाने की कोशिश की तो तुम्हारी नजर उसकी नाभि पर पड़ गई। हाँ, जब किसी औरत की छाती देखो तो बचपन में अपनी माँ का जो दूध पिया है ना उसे याद करना, ठीक है? किसी लड़की की नाभि बिस्तर की रौनक नहीं बल्कि माँ की कोख होती है, यही संस्कार है और यही इंसानियत है। जो इसे याद नहीं रखता वो हरामी है और वही शैतान है। आपने बिल्कुल सही किया, ऐसे लोगों की वजह से औरतों ने पार्क में आना छोड़ दिया है। लेकिन मेरी बीवी नहीं छोड़ेगी, सिर्फ शादी करना ही मर्दों का काम नहीं, उनकी इज्जत बचाना मर्दों का फर्ज है, ये याद रखना। ज्यादा बोलोगे तो बोर्ड निकल कर तुम्हारे अंदर कर दूंगा, जा जाके बैठो। ठीक है बाबा, आप नाराज क्यों होते हैं, जाकर बैठ जाता हूँ। नमस्ते भैया, आप इस तरह क्यों बैठे हुए, क्या आपकी भी इंक्वायरी यही करने वाले? नहीं, लक्ष्मी नारायण। अरे बाप रे, मर गए। क्या हुआ बॉस, आप भी कुछ गलत करते हैं क्या? मेरा लॉयर मुझे बता रहा था, मेरी किस्मत अच्छी है जो मेरी इंक्वायरी लक्ष्मी नारायण नहीं कर रहा है। मतलब? मतलब ये है कि वो बात कम और काम ज्यादा करता है। मारते है क्या? अरे मारता क्या, सीधा ऊपर भेज देता है। अच्छा तुम्हारा क्या लफड़ा है? मनी मैटर बॉस। पूरा हड़प गया क्या? मैं तो बस एक एजेंट हूँ भाई। अच्छा, यहाँ सुनील शेट्टी कौन है? हाँ मैं हूँ। अब अंदर जाइए। बॉस, अब मैं क्या करूँ बॉस? सच कहोगे तो चमड़ी बची रहेगी, झूठ बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ कर ऊपर भेज देगा। ऑप्शन मैंने दे दिया, अब आप सोचिए। सर नमस्ते। सर कम इन, बैठो यहाँ पे। सर मैं सारा मैटर डायरेक्ट सच सच ही बता देता हूँ सर, आप रिकॉर्ड कर लीजिए सर। ये लो। सुनो प्रिय, मैंने तुम्हारे बारे में पूरी इंक्वायरी की, तुम्हारे दिल को जांचा, तुम्हारे दिमाग को परखा और उसके बाद ही मैंने एक फैसला किया है। ये क्या है, सीबीआई की किसी स्टेटमेंट की तरह है। ओ,
मैं इसे भी वैसे ही समझ बैठा। एक मिनट, वेट। Yes, now you see. मेरी प्यारी, ये मेरा पहला प्रेम पत्र है। अगर तुम इसे तहे दिल से स्वीकार करोगी तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और उस दर्द को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और उसी दर्द को इस चिट्ठी के जरिए बांटना चाहता हूँ। तुम्हारा लक्ष्मी। ये क्या कोई लीव लेटर है? एक्शन में टॉप करने से कुछ भी नहीं होता, लव करने के लिए ये चाहिए। ये भी गई तेल लगाने। जस्ट अ मिनट। इंटरव्यू देने जा रहे हो? जरा देखो, एकदम मवाली स्टाइल। क्या? ठीक है ठीक है, समझ गया। इस गुलदस्ते में जो फूल हैं, उनका लाल रंग मेरे खून का है। तो मैं देखने के लिए तड़प रहा था, जब देख लिया तब मेरे दिल की धड़कन ने कहा, हो न हो तुम ही हो वो। लव मी और हेट मी, किस मी या किल मी, ओ डार्लिंग डू समथिंग टू मी, अलग जगले दिल रुबा। क्या? कितनी मेहनत से मैंने इसे याद किया और तुम बीवी की तरह गाल पर किस कर रही हो, लवर की तरह होठों पर करती तो क्या चला जाता? हाँ सॉरी। सॉरी नहीं, जल्दी दो। ए, कौन हो तुम लोग? कोई भी हो, तुझे क्या? सॉरी सर, सॉरी सर। ए आदर्श, हाँ ना यार, मैं हूँ। क्या है सर, ये एक ऑफिसर होकर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो? एकदम पक्के कपल लग रहे हैं आप लोग। शादी होने के बाद भी ये सब क्या है सर? क्यों, शादी के बाद लवर की तरह नहीं रह सकते? हाँ? रह सकते हैं ना। Why not? Come on. सुनील शेट्टी जी। हाँ? सुनील शेट्टी जी, हेलो बॉस। हाँ? वहाँ तक पहुँचा तुम्हारा केस? चल रहा है बॉस। मेरा और आपका लगता है बहुत करीब का रिश्ता है, जब देखो इधर हो या बाहर हो, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते ही रहते, क्या कहते हो? सब भगवान की मर्जी। ये बात नहीं है बॉस, एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ चुकाना। बॉस बॉस बॉस, ये तो लक्ष्मी नारायण जी की कुर्सी है बॉस, इस पर आप क्यों बैठ रहे हैं? अगर वो आ गए ना तो चमड़ी उधेड़ के रख देंगे आपकी। चमड़ी उधेड़ नहीं, उनका काम है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सुनील शेट्टी लॉयर, लक्ष्मी नारायण, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ सर। इनका स्टेटमेंट ले लो। ओके सर। सर, इंक्वायरी सिर्फ सेल में ली जाती थी ऐसा मैं समझ रहा था, वेटिंग रूम में भी ली जाती है ये आपसे मुझे पता चला। सब कुछ करेक्ट है, लेकिन एक गड़बड़ है। 1% सर, बस इतना ही। तुम्हें 1% चाहिए, मुझे 100% चाहिए। मैं समझ गया सर, आप सब कुछ जान गए हैं। ये बात मैं समझ गया सर, उसका नाम जनार्दन है सर। ये सब आप क्यों कर रहे हैं सर? आप एक बहुत बड़े माफिया से उलझने जा रहे हैं सर, वो लोग बहुत डेंजर है सर। मैडम आप ही समझाइए ना इन्हें। आदर्श,
तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ प्रिया। इन्हें कोई नहीं समझा सकता। हमारी रोटी खाके हम इसे गद्दारी। हेलो, सारी माइंस सील कर दो। ओके बैठो चलो। लक्ष्मी 12 बज रहे हैं, ड्यूटी ड्यूटी करते रहोगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। चलो ना सो जाते हैं। प्रिया एक इंपॉर्टेंट केस, एक क्रिमिनल के खिलाफ डिटेल इकट्ठा कर रहा हूं। हाफ एन आवर, तुम सो जाओ, मैं आता हूं। प्रिया देखो कौन है। हेलो। क्या मैडम, रात के 12 बज चुके हैं और आप अभी तक सोई नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? आपके पति ने मेरे आदमी को मार के मेरी माइंस को सीज करवा दिया। उतना ही नहीं, मेरे पुराने मरे हुए केस को खोद कर उसने फिर से जिंदा करके मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मुझे अंदर करवाने की कोशिश में लगा है। वो किस लिए वो हीरो बनना चाहता है मुझे नहीं पता। मैं सफेद बस फिलहाल 6 साल से पहनने लगा हूँ। लगता है तुम्हारे पति को मेरा साफ सुथरा रूप देखने से परहेज है। तो उन्हें समझाओ, कहो कि उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप घबराइए मत, आपके बदन पर हमेशा सफेद कपड़े ही रहेंगे। कैदियों को भी सफेद कपड़े ही दिए जाते हैं। गलत सोचेंगे तो सेहत खराब हो जाएगी। गुड नाइट। लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। ए, नारायण शांत है तो तू सुकून से रहेगा।
जाग गया तो तेरी समाधि बना देगा। फोन रख अब। ये सब आप क्यों कर रहे हैं प्रिया? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, अरे मेरी मर्दानगी देखकर ही तो तुमने मुझसे शादी की थी ना। लक्ष्मी, प्यार करना ठीक है पर जिंदगी भी तो जरूरी है ना। मेरे प्यार के पंछी, मुझे कुछ नहीं होगा। सोसाइटी को हम सिक्योरिटी देते हैं और हमें डिपार्टमेंट सिक्योरिटी देता है। तुम जाकर सो जाओ। हेलो, सो जाओ। प्रिया, 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 प्रिया। अफो, कहाँ चली गई? प्रिया, 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 hey, तुम यहाँ बैठे बैठे सो रही थी? आपने कहा था ना कि डिपार्टमेंट से सिक्योरिटी मिलती है। मैंने बाहर आकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ। इसे मैंने कहीं नहीं देखा है सर। तेरी आंखें देखकर मुझे लग रहा है कि तू सच बोल रहा है। आदमी अंदर से और बाहर से अलग हो सकता है लेकिन उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, तो मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। तुझे इंफॉर्मेशन कौन देता है? इस प्रॉब्लम में तुझे किसने फंसाया? तेरे इस नेटवर्क में तेरे अलावा और कौन कौन है? वो कौन है मैं नहीं जानता सर, कोई स्पेशलिस्ट नाम का एक आदमी है। स्पेशलिस्ट? कौन है ऐसा कैरेक्टर? कुछ लोगों के लिए मान सम्मान ही उनका वीकनेस होता है, उसे एडवांटेज बनाकर गेम प्ले करते हैं सर, वो स्पेशलिस्ट। थैंक्स, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है सर। तेरी इन्फॉर्मेशन देने वाले ने भी यही कहा था। I'm sorry, sir. मेरे हाथ से थप्पड़ खाकर सॉरी कहने वाली पहली लड़की हो तुम। आई लाइक इट। आई लव इट सर। सर 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 सर, उसे कोर्ट में पेश करना है ना सर? उसे मरे हुए आज 10 साल हो गए हैं तो कोर्ट ले जाने का क्या फायदा? What next? और क्या, इसका तो खेल खत्म। सुनिए जी, मंदिर जाने का वक्त हो गया है। हाँ, अभी आता हूँ। अस्माकं श्री परमेश्वर प्रीतर्तमस्य देवदेवोत्तम देवता सर्वम् क्लांत कुट महंतनाय कस्यायन। इस बार मेरा भेजा हुआ ह्यूमन बॉम्ब मिस नहीं होना चाहिए, ब्लास्ट होना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपनी चोटी भेंट करूंगा। See you then, okay? क्यों हर रोज मुझे यहीं छोड़ते हो, घर नहीं आ सकते? पूजा,
तुम इंस्पेक्टर की बेटी होती या लॉयर की बेटी होती तो शादी से पहले घर तक नहीं बेडरूम तक पहुंच जाता। क्या करूं, तुम्हारे पिताजी जज है ना, तुम्हारे पिताजी ने कोई रॉन्ग जजमेंट दे दिया तो इसलिए सही समय पर आऊंगा। वेरी इंटेलिजेंट। ओके बाय। ओके बाय। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी मेरी इज्जत है। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अजी, नानी। क्यों रही हो पूजा? क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ? पूजा, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे परिवार की ही इज्जत दिखाई देती है क्या? मेरा प्यार तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हे, तुम समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम चिंता मत करो, कल से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ओके? रुक जाओ, तुम घर से कब गई थी और अब आ रही हो? तुम्हें आजादी देने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हाय। हाय। What a surprise, पूजा। तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ ही रहोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहने के लिए आ गई। थैंक यू वेरी मच। तुम बैठकर टीवी देखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। Yeah. पूजा,
तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। You naughty. I can't live without you, Ram. शादी से पहले हमें ये सब नहीं करना चाहिए ना? ये तो इसी ने उसे मेरा किडनैप किया था। ये भी था राम। इन दोनों को सजा देने के लिए तुमने पकड़ा है। I love you, राम। ये लोग कौन हैं? ओह, इन गुंडों को पकड़ने के लिए तुमने इन लोगों का सहारा लिया राम? नहीं बहन, इसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। सुना था दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन आंखें होती है ये आज देखा। तुम भी देख लो, तुम्हारा किडनैप करके तुम्हारा रेप तुम्हारे घर वालों को दिखाएगा तो ये बच जाएगा, यही सोचा था इसने। बिकॉज तुमने उसका साथ नहीं दिया। अगर ये रेप का रिकॉर्ड तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा देता तो वो या तो अपनी जान दे देते या फिर इसके आगे घुटने टेक देते, और तब ये अपने मकसद में कामयाब हो जाता, यही सोचा था इसने, है ना? यही सोचा था ना तूने, बोल स्पेशलिस्ट। इसका मतलब ये है वो स्पेशलिस्ट? इसका मतलब मेरे साथ वो सब कुछ इसने किया। करेक्ट। कल तुम्हारे पिताजी फैसला सुनाने वाले हैं, उस फैसले को अपने फेवर में करने का ही इसका प्लान था। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रखना चाहिए सर, मार डालो, जस्ट किल हिम। गो अहेड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। अब तक ना जाने कितने पेरेंट्स आत्महत्या कर चुके होंगे, है ना? बाय। प्रिया, घर में पहले से इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं, पर ये किस लिए? हाँ, ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी, दिस इज समथिंग स्पेशल, कम आई विल शो यू। क्या है? आओ तो। क्या दिख रहा है बताओ ना? मेरा फोटो दिख रहा है। कम यहाँ से। तुम्हारा फोटो दिख रहा है यहाँ से। वाओ, दोनों के फोटो नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों फोटोज के बीच में थोड़ी गैप है। हम दोनों ने तो अपने बीच में कभी गैप रखा ही नहीं। नहीं रखा, बट बच्चा होने के बाद। बच्चा? प्रिया क्या बात कही, बच्चे दो तीन नहीं, पूरे के पूरे 10, और उनके लिए ये गैप थोड़ी कम पड़ेगी। ए जी, 10 की क्या जरूरत है, एक ही बच्चा हो तो उससे भी 10 बच्चों का प्यार मिल सकता है ना। वो कैसे? लड़की हुई तो 10 लक्ष्मी, आई मीन 10 लक्ष्मी, लड़का हुआ तो 10 कष्ट नाम रख सकते हैं ना। ए, ए, तुम 10 बच्चों का प्यार एक ही में पाना चाहती हूँ। अगर तुम जैसा पति हो तो मैं जिंदगी भर दुख उठा सकती हूँ। मुझसे इतना प्यार करती हो? एक बात बताऊँ, हमें अपनी जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिन्होंने हमें जन्म दिया, दूसरा जिन्होंने हम पर जान लुटाई, वो तुम हो। I love you. ये क्या कह रहे हो? एक मर्द का जीवन तभी सफल होता है जब उसकी बीवी अपने पति को जान से भी ज्यादा प्यार करे। I love you. I love you, प्रिया।
सुनो ना, मेरा एक सपना है। बताओ। जब हमारा बच्चा पैदा होगा और तुम्हें पापा कहकर पुकारेगा, तो तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी होगी सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा, ये रोमांटिक मोड अचानक इमोशनल कैसे हो गया? बस ऐसे ही। अच्छा, उस गैप को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? It's on you, baby. Trying to walk around, man. Who the hell are you? Blaze the path, but who knows the math? First on face. Trying to walk around, man. Who the hell are you? Come, Johnny, John. कम कम जाने जा तीर तो चला, तुझ पल जा दे तू मुझे न सता। कम कम जाने जा तीर तो चला, तुझ पर जा दे तू मुझे न सता। तुझ पे मैं फिदा रे, छोड़ के न जाना रे, दिल मेरा क्या कहे ये आके सना सुन लेना। कम कम जाने जा तीर तो चला, तुझ पर जा दे दो मुझे न सता। तिलाना दिल में जगा कर गई, जो ना सोचा वो हो गया, मैं हो गया दीवाना। जब बाहों में तू मैं हूँ अब काबू, तेरे बिन जिया जाए ना। कम कम जाने जा तीर तो चला, कुछ पर जा दे दो मुझे न सता। कम कम go around, कम कम babe go around। Come on, babe, go around. सबको बुला के अखियां मिला के मुझे तेरे संग तू ले जा। कम कम जाने जा तीर तो चला, तुझ पर जा दे दो मुझे न सता। कम कम जाने जा तीर तो चला, तुझ पर जा दे दो मुझे न सता।
क्या बात है, तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ एक मिनट। हाँ ओके, आज जरा लाइट कलर दिखाओ ना। हाँ सर अभी दिखाता हूँ, ये देखिए। हेलो ओके ओके सर। हेलो क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? नहीं वो मेरी फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम है। तो साड़ी नहीं लेना है क्या? अब कम आ जाओ, प्रॉब्लम बाद में देखेंगे। ए जी जल्दी आओ ना। ये क्या, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस के लिए। आज के दिन भी ऑफिस जाओगे? क्या करूं, सोच रहा हूँ ड्यूटी छोड़कर तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे करूं। कमिटमेंट्स। अच्छा मुझे देर हो रही, शाम को मिलता हूँ, ठीक है? सुनो सुनो हाँ? जरा रुक जाओ ना, पूजा होते ही चले जाना। रिवॉल्वर दो। रिवॉल्वर, वो क्यों? आज औजार की पूजा होती है, भूल गए क्या? आपकी सुरक्षा करने वाले उस रिवॉल्वर को भगवान के सामने रखकर पूजा करना चाहती हूँ। तो एक मिनट के लिए बेडरूम में चलो जरा। छी छी, रात का काम दिन में करते शर्म नहीं आती? जरा आओ तो। अब स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बेडरूम में रोमांस करने के लिए नहीं लाया। तो वेट। अगर तुम सिर्फ मेरी इस रिवॉल्वर की पूजा करोगी तो ये बाकी सारे नाराज हो जाएंगे, तो सबकी एक साथ पूजा करो। माय गॉड, हम लोग अभी तक अपने संसार को चला रहे थे इस बेड पर लेटकर। लक्ष्मी तुमने बताया क्यों नहीं? डिपार्टमेंट का सीक्रेट किसी को नहीं बताना चाहिए, इट्स अ रूल, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। फिर भी मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये तुम पूछ सकती हो। मेरी जान बचाने वाली इस गन की पूजा करके तुम मेरी जिंदगी का इतना ख्याल रखती हो, अगर मैं तुमसे ये सीक्रेट छुपाता तो बेवकूफी होती। हाँ उनकी पत्नी का फोटो लगता है नहीं मिला। सर स्पेशलिस्ट वही है, आपको कैसे पता चला? उस डांसर ने मरने से पहले मुझे कुछ क्लू दिया था, किसी के लिए मान मर्यादा सबसे बड़ी कमजोरी होती है, तो वो कौन हो सकता है? जज। पता चला कि वो एक टेररिस्ट का फैसला सुनाने वाले हैं। मुझे शक हुआ, मैंने पीछा किया, सब क्लियर हो गया। सर इस अकाउंट में पैसे का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हुआ है सर। आदर्श इस फाइल के सारे डिटेल को डिलीट करो, कुछ एक फाइल को ऐसे ही छोड़ दो। क्यों सर? इसके चक्कर में कुछ कुत्ते बाहर निकल आएंगे, उनमें से एक भी हाथ लग गया तो काफी है। आदमी की जात पे कोई इस तरह नफरत कर सकता है तो वो सिर्फ लड़की हो सकती है। भी चाल चलता है और वैसी भी चाल चलता है, ये डेफिनेटली उसी का काम है। वो मतलब कौन सर? वही जिसने उस डांसर का किडनैप किया था, ये वही है। सर क्या है? ये सिस्टम खाली है सर, बिल्कुल नया लग रहा है सर। तेरे दिमाग जैसा है। सर क्या है? इसमें मनी ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल है सर। शिफ्ट करो सिस्टम को या डिटेल को? सिस्टम को, डिटेल्स हमें
और सिस्टम डिपार्टमेंट को। यस सर। यस, मिल गया। कौन सर? मुकेश, गनपट्टी से इसने धंधा शुरू किया था। हाँ। आज पूरे स्टेट में उसका इल्लीगल धंधे का नेटवर्क फैला हुआ है। अगर हम इसे पकड़ेंगे तो वो हमें जरूर मिलेगा। वो मतलब कौन सर? सेन, डांसर का किडनैपर। हाँ। करेक्ट सर। सर, ये तो विदेशी माल है सर। हाँ सर। तू है तुमने नालायको, ड्रेस बदल के लेकिन अक्कल क्या करे सर, इसे देखकर पीने का मन कर रहा है सर। हाँ सर। हम पिलाने आए हैं, पीने के लिए नहीं। किसी को शक नहीं होना चाहिए। Be careful। जब मैं सिग्नल दूंगा तब लाइट ऑफ कर देना। ओके ओके सर। मूव। ओके सर। हेलो सर, कैसे? हेलो सर, पार्टी बहुत बढ़िया है सर। यो सर। हाय हाय सर। हाय हाय। हेलो सर। कैसे सर? हेलो सर। हाँ सही। हाय कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आपकी मेहरबानी। हाय भाई साहब। हाय सर। थैंक यू। इट्स ओके। चीयर्स। सिर्फ चीयर्स बोलेंगे? सो सिंपल। वेट, ये मुकेश का दरबार है, यह मस्ती और मजा भी है। वॉच, पार्टी स्टार्ट्स नाउ। Money।
नामुमकिन को मुमकिन करना मेरी है अदा। मैं जहां हूं बहुत सनसनी, मैं शोला मैं ज्वाला, ये जाने है सारा शहर। ताकत है हिम्मत है मुझ में ही असली पावर। That's me, no one can touch me. That's me, no one can touch me. मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, महफिल में कोई भी इस सच को न जाना। मुझ पर है ओ यारा गला सा एक पर्दा, तो सुन मेरी पहचान तू। लक्ष्मी, no one can touch me. लक्ष्मी, no one can touch me. Lakshmi, no one can touch me. Lakshmi, no one can touch me. सर चप्पल ही हाथ लगी है, वो तो भाग गया सर। हटो 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 हटो। सर सर क्या हुआ, मुजरिम फरार हो गया क्या सर? कंफर्म। अरे बाप रे, ये काम भी वही कर रहा है सर। वो मतलब कौन? वही डांसर का किडनैपर। वो कहीं भी भाग जाए मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। सचमुच में ये एक क्रिमिनल है क्या? देखती जाओ, खुद पता चल जाएगा। तुम चाहे कितने भी सवाल कर लो, मैं यही कहूंगा कि मेरा सारा बिजनेस लीगल है, इलीगल कुछ भी नहीं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कौन हूं तुम ये जानते हो? जानता हूं, इसीलिए तुझे उठा कर लाया हूं। ड्रग से नौजवानों को मार रहा है तू। क्रिकेट बैटिंग करता है ना, खेल को तूने सड़क छाप बिजनेस बना दिया और बिजनेस उसको तूने हवाले की हवस बना दिया। फाइनली अपने बिजनेस की 40% इनकम तू टेररिस्ट को देता है। इसे कहीं देखा है तूने? फिर से शुरू हो गए मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। चल यार बाहर से कुछ खा पी के आते हैं। कम ऑन यार, कम ऑन। अनु तुम एक काम करो, इस रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करते रहो, हो सकता है हम लोगों को आगे कुछ क्लू मिल जाए। बी केयरफुल। कम। किसी की भी तस्वीर दिखाकर पूछोगे कौन है, मैं कैसे बताऊं? तेरी बातें और तेरी आंखें मेल नहीं खा रही हैं, सच बोल। तुम कुछ भी पूछो, कुछ भी कर लो, मेरा सिर्फ एक ही जवाब होगा, मैं नहीं जानता। तूने सुना होगा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हेलो, सर
आपका फोन है। किसका है? कोई प्रिया के बारे में। हेलो राज, डील राज फ्रॉम हांगकांग। हांगकांग? तुम्हें प्रिया का एड्रेस चाहिए तो कम टू हांगकांग, मैं एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। सच्चाई मैंने आंखों में पढ़ ली थी, फोन से वो कंफर्म हो गई। हैप्पी जर्नी। कार खरीदने के बाद यार खर्चा बहुत बढ़ जाता है। वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है यार। हाँ सही कह रहा है यार। सर कहाँ है? उनका फोन आया था। किसका? कोई प्रिया के बारे में बोल रहा था। तुम्हें अकल नहीं है क्या? प्रिया कौन है जानती हो? बॉस की पत्नी है। अच्छा ही हुआ ना। क्या अच्छा हुआ? प्रिया मिल गई तो सफाई देने का मौका भी नहीं देंगे, सीधा शूट कर देंगे वो। मिल गया सर। क्या मिला सर? फ्लाइट टिकट। हेलो, गुड मॉर्निंग जेमी ट्रैवल्स। लक्ष्मी नारायण ने टिकट बुक किया था? जी हाँ सर, वो इस वक्त फ्लाइट में है, 2 घंटे में हांगकांग पहुंच जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। यू वेलकम। लक्ष्मी नारायण, तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सति हिंदुओं को उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के सब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सति हिंदुओं को उजागर। प्रिया, डर लग रहा है क्या? इसमें डरने क्या बात है? नहीं, हनीमून पर जा रहे हैं ना, इसलिए। हनीमून? ऐसे क्यों देख रहे हो उसे? उसकी ड्रेस अच्छी है ना, तुम ऐसे ड्रेस पहनोगी तो कैसे लगोगी? छी, तुम मुझे ऐसे ड्रेस में इमेजिन करते हो? हाँ। मेरी परमिशन के बाद भी तुम ऐसा नहीं सोच सकते। अरे, इमेजिनेशन के लिए परमिशन की क्या जरूरत है? तुम इतना ही सोच रही हो, मैं तो तुम्हें कैसी कैसी ड्रेस में इमेजिन कर चुका हूँ। हाँ? उधर देखो। हाँ? अब वो वहाँ वहाँ फुटपाथ पे खड़े होके बीड़ी पीता था, तू तो बाजू में मेरे आके मुझको तकती थी। मैंने देखा जो तुझको तो फिर लाइन मारी थी, तूने मौका पाते ही मुझको आंख मारी थी। कभी स्टार्ट हुई लव स्टोरी, भूला मैं दुनिया तारी, हो गई मुझको उस पल प्यार की बीमारी। चलो आया है मौका तो फिर इश्क लड़ाते हैं दोनों, अपने इस चक्कर को आगे बढ़ाते हैं। आजा लव शव का दोनों कोई गाना गाते हैं, आजा अपनी मोहब्बत का हम जश्न मनाते हैं। चाह कर भी हमको कोई रोक न पाएगा, ये दिल तेरी
चाहत में हरदम डूबता जाएगा। सुन ले तेरी ही खातिर मैं बन बैठा दीवाना, अब तो जीवन भर का है पैसा अपना अफसाना। मैं तो अंजाम जान कर भी मुश्किल से राह भर भी बिना कुछ सोचे समझे यूं ही चल पड़ा। ज्योतिषी जी ने बोला था तुझको मिलेगी कैटरीना, ऐसा नसीब मेरा है कहा, मुश्किल कर डाला है जीना। मुझको भी पंडित जी ने बोला था, मुझको मिलेगा दीवाना, सोचा नहीं था मैंने सपने में पड़ जाएगा यूं पछताना। मैं तो फुटपाथ पे खड़े होके मस्ती करता था, तू तो बाजू में मेरे आके मुझको तकती थी। मैंने देखा जो तुझको तो फिर लाइन मारी थी, तूने मौका पाते ही मुझको आंख मारी थी। तभी साथ हुई लव स्टोरी, भूला मैं दुनियादारी, हो गई मुझको उस पल प्यार की बीमारी। The flight is landing in few minutes. Please fasten your seat belt. Okay. Excuse me. Lakshmi Narayan. Address please. Address? मैं राज हूँ, डील राज। एग्रीमेंट होने तक मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो फिर कॉफी के साथ बात करें क्या? One coffee. यहाँ पर हर किसी को अपना अपना देखना होता है। Address please. अरे cool यार cool. कॉफी पीने के बाद बताता हूँ यार। Address please. You are in जल्दी में मैन। कमाल का आदमी है ये तो। बताता हूँ। इसमें रेशमा का नाम लिखा, मैं इसे कैसे मानूं? It's a deal man, yeah. दो हफ्ते में रेशमा के एड्रेस पर नहीं मिली तो सारे पैसे वापस। It's deal man, yeah. साइन करके पेमेंट दो, मैं एड्रेस देता हूँ। ये लो। Yes. ये आपका एड्रेस। थैंक यू। इस एड्रेस पर आप मुझे ले जाएंगे? ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये एक नई डील है। कितना लगेगा? हम इंडियंस हैं, $500। ओके ओके ओके, फाइन, गुड। प्रिया, नंबर 171 ग्रीन माउंटेन रोड, हांगकांग वेस्ट। हे हे मैन, ये तो रेशमा का एड्रेस है। सही बोल रहा हूँ?
रेशमा और प्रिया का आपस में क्या संबंध है? इससे ये रिश्ता, उससे वो रिश्ता, किससे क्या रिश्ता, मुझे क्या लेना देना है मैन? नो डील नो टेल, ये तो हमारी डील है मैन। आई एम डील राज। डील राज, कमिटमेंट एंड एग्रीमेंट $500। या साइन कीजिए यहाँ पे। गुड गुड, तो चला है। ये एड्रेस शहर से बाहर है, जो कुछ भी चाहिए तुम्हें यहीं से लेना पड़ेगा बहन। मुझे गन लेना है। हैं? क्या कहा? गन या बन? गन मिस्टर डील। गुड फीलिंग मैन, सेम टू सेम। मैं भी शहर में पहली बार आया था तो बहुत डर रहा था, इसलिए मैंने भी गन ही खरीदा था। या सेफ्टी बहुत जरूरी है मैन, बट वन थिंग, गन सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स को मिलता है। उसके लिए आप हैं ना? व्हाट? एक और डील? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मेरा गन चाहिए? $2,000। ओह, तुम तो कमाल के आदमी हो यार, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, बहुत जबरदस्त आदमी है यार। ओके ओके ओके, कमिटमेंट एंड एग्रीमेंट डील। पहले गन दिखाओ। अरे थोड़ी शांति रखो यार, यू आर क्रेजी मैन, क्रेजी। ये दिखाता हूँ, ये लो, फुल लोडेड है। देखने में सोने जैसा चमक रहा है, ये है ऑपरेशन डायमंड रॉकेट। तो फिर चलते चलते हैं। या हे, ये हांगकांग है मैन, एंजॉय करो। वो घर है मैं। हुआ तब भी उसे 10 बच्चों का प्यार मिल सकता है ना? वो कैसे? लड़की हुई तो 10 लक्ष्मी, I mean 10 लक्ष्मी। मैं जब घर में रहती हूँ तो आमिर को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। You got it? You kidnapper, get lost. बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते मैन। डेविल डेविल 10 लक्ष्मी,
एग्रीमेंट। ये किस लिए? गनमैन डील दा। या साइन। पेन। या नाइस, बहुत अच्छे, अब मेरे साथ आ जाओ। काम काम काम। यस कम इन। आवाज आई ना? आओ 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 आओ, आ जाओ। टेन लक्ष्मी, हाय। मेरा पिज़्ज़ा अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं 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 नहीं, वो काम मैंने छोड़ दिया। इन्हें साथ में क्यों लाए हो? ये आ आ आ आ ओ मेरी मम्मी का फोटो आपके पास? मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। अब तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाकर। ओहो, तो फिर ये कौन है? अब मेरा असिस्टेंट। असिस्टेंट? हाँ। ए मैन, डील डील मैन डील। फिक्स्ड, $500। ओह सच में? तो फिर मैं आपका। ए ये बैग किसका है? बॉडीगार्ड के असिस्टेंट हो मतलब मेरे भी हो ना? इतनी भी समझ नहीं है? हेलो एक्सक्यूज मी, योर सर्विसेज डोमिनेट। नो 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 नो, बेटी ये किस लिए? उसे घर का काम करने दो। वो तो आप करोगे ना? कम ऑन स्टार्ट। $25 million। ये इंडिया पाकिस्तान के गेम बेटिंग का जीता हुआ पैसा है। माइंड इज मनी। स्टार्ट द गेम। टेक पोजिशन। 5, 4, 3, 2, 1 Shoot. Oh, yes. तुम्हारा वक्त अच्छा है। Are you nervous? Never. Double the bet. 50 million. Okay, done. Done. Sir. Take position. 5, 4, 3, 2, 1 Shoot. Yes. 50 million. You lost it, huh? Hey Khan, तेरे भरोसे पे हम लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं। अब सुनने में आया कि वो मुकेश मारा जा चुका है। अब हमारा क्या होगा? खान, सुना है मुकेश की मौत हो गई है। अब हमें कौन बचाएगा? Hey Khan, तुम मुकेश को नहीं बचा सके तो हमें कैसे बचाओगे? Shit! What's happening in India? डांसर गया, स्पेशलिस्ट गया, अब मुकेश गया। ये क्या हो रहा है? अगर इसी तरह से चलता रहा तो कानून हम तक पहुंच जाएगा। इन सब के पीछे कौन है? वही वो लक्ष्मी नारायण, CBI ऑफिसर। ऑल दिस नॉनसेंस हैज क्रिएटेड बाय हिम ओनली। लक्ष्मी नारायण, CBI। कनेक्ट मी टू बेंजामिन नाउ। बेंजामिन? Yes? I have an appointment to commissioner. Hold on for a second. All right. Your appointment is on 15th floor. Room number 5 and 59. Smile, please. Nice, ma'am.
थैंक यू। यू वेलकम। He's my son. He joined me after school hours and we'll go home together. Smile, please. Thank you very much. Hello, mister. This is no smoking zone. Oh. Ashtray problem. Hey, what is this? Who are you, man? I hate noise. अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। इंडिया बुकिंग। तुम्हें लक्ष्मी नारायण को फिनिश करना है। अंडरस्टैंड? फाइल नंबर ट्रांसफर हो रहा है। कोड वर्ड्स नोट कर लो। ओके? ओके डन। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल भूखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। या क्या यार, या गो मैन, नो 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 नो, फिर से ट्राई करके देखता हूँ रेशमा की दिखती है क्या। बट एक इन्फॉर्मेशन पक्की है, वो हांगकांग में नहीं है क्या? रेशमा पिज्जा का ऑर्डर तुम्हें देती थी या एसएमएस से, ईमेल से और कभी कभी अपने मोबाइल फोन से भी? उसका नंबर तो होगा। या मैन, बहुत सारे नंबर से उन सारे नंबर्स में ईमेल के जरिए मैसेज भेजो। क्या 5 घंटे के अंदर अगर वो यहाँ नहीं पहुंची तो उससे कहो कि मैं उसकी बेटी को मार दूंगा। लगता है मेरा गन लेकर मुझे ही फंसाएगा। डराने धमकाने की डील तुम्हारी, ओके? कमिटमेंट एग्रीमेंट डील मेरी। $1500। $1500? थैंक यू मैन, थैंक यू। ये तो मुझे यहाँ का किंग बना देगा। Hello. Yes, I'm going to India right now. Yeah, I'll talk to you once I come back. Okay? Have a good time. Sorry. Hey, zara dekh ke nahi chal sakte kya? I'm really sorry, sir. Sorry. Lakshmi Narayan? Tum kaun ho? Prakash Nigur. Indian police. I'm Hong Kong police. But इसकी तस्वीर आपके पास कैसे आई? ये एक टेररिस्ट है, मैं इसे तलाश कर रहा हूँ।
तो ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। मैं ऐसे ही पकड़ने के लिए इंडिया जा रहा हूँ। मैं वही ड्यूटी निभाने यहाँ आया हूँ। 3 दिन पहले वो यहाँ आया है। तो तुम एक काम करो, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर उसका सारा डिटेल्स कलेक्ट करके लाओ। तुम क्यों नहीं चले जाते? मैं सीक्रेट पुलिस हूँ। स्माइल प्लीज। व्हाई फोटो? इट्स माय हॉबी। ओह, जस्ट अ सेकंड। या वन मिनट। या एक बार मैं जिसका फोटो ले लेता हूँ वो इस दुनिया में ही नहीं रहता। इसकी कितनी सारी फोटो लेनी पड़ रही है, इसे मैं कितनी बार मारूंगा। क्या हो रहा है ये? अगर ये डील ओके हो गई तो इंडिया और हांगकांग के बीच राज एयरलाइंस उड़ेगा। क्या बात है? ए, मुझे गन चलाना सिखाओगे या नहीं? कपड़े तो ठीक से पहन नहीं पाती हो, गन चलाने की बात करती हो। क्या मजाक है। क्रेजी क्रेजी। ओके, सिखाता हूँ। वहाँ खड़ी हो जाओ। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। रेडी। पागलों की कमी नहीं है यार। बच्ची ने कहा सिखा दो और ये सिखाने चल दिया। क्रेजी मैन क्रेजी। टाइम क्या हुआ? 5 बज रहे हैं मैन, 5 बज रहे हैं। वॉच इट। इसे लॉक ओपन करना आता है। बिट्टू, हे बिट्टू। ये तो पहनी हुई है। अब बिट्टू, बिटिया, हे बिटिया, बिटिया, ए बिटिया, ए। आपने ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है और आप ही घबरा गए। लक्ष्मी नारायण। ओह लक्ष्मी, नो नो। कम ऑन गो। वी हैव टू सर्च द होटल। SMS भी मेरा, ईमेल भी मेरा सर। अगर 10 लक्ष्मी को कुछ भी हो गया तो इस हांगकांग में मरते दम तक जेल में सड़ जाऊंगा सर। मालिक आप नहीं चाहिए, आपकी डील भी नहीं चाहिए। मैं डील राज नहीं हूँ, कुल राजू। मेरी गन मुझे दे दो मालिक। राजू। मालिक। मेरा साइन किया हुआ एग्रीमेंट तूने फाड़ दिया। हाँ फाड़ दिया। लेकिन तेरा साइन किया हुआ मेरे पास है। हा? एक नहीं 10-10 कॉपी। तो एग्रीमेंट के मुताबिक तुझे चलना ही पड़ेगा। 10-10 कॉपी है। आपकी गलती नहीं है भाई, उस प्रिंटर की गलती है जिसने इतना प्रिंट निकाल दिया। मुझे मंजूर है भाई, आपके साथ चलूं क्या? तो ये नहीं देंगे क्या? क्या आदमी है यार, ऐसा फंसाओ कि मेरी तो ऐसी तैसी हो गई है। आज के बाद से ऐसी डील खावी नहीं। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, चलो अब जाओ यहाँ से। नहीं मम्मी। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मम्मी प्लीज।
मैंने कहा ना, चलो जाओ। मम्मी प्लीज मम्मी। बहुत नाटक करने लगी हो तुम। प्लीज मम्मी, मम्मी मैंने सॉरी कह दिया ना। प्लीज मैं खा लूं। मुझे जब भी मम्मी की याद आती है मैं खुद उनकी आवाज निकाल लेती हूँ। बिट्टू रानी, तुम सिर्फ मम्मी की तरह बात ही करती हो या फिर एक्टिंग भी करती हो? करके दिखाऊं क्या? दिखाओ। लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है? मुझे उतारो। बोलो क्या कंडीशन है? आपको मेरी एक्टिंग करनी पड़ेगी। उधर जाके बैठो और किताब पढ़ो। मम्मी मुझे केस करती है तो 10 लक्ष्मी भी मम्मी को केस करती है। तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? अब 10 मिनट में कर लेती हूँ मम्मी। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मेरे घर में आने से पहले तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। बॉडीगार्ड, ए बॉडीगार्ड, कम हियर। चलो मुझे जरा उठाओ। अब नीचे उतारो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो। जी जी। सभी करने का शौक है क्या आपको? है ये यही काम करती है क्या? गलती हो गई, मैंने कुछ और ही समझा था, सॉरी। यस या ओके बेंजामिन, लक्ष्मी नारायण कहीं होटल से चेकआउट ना कर दे, हमें वहां चलना चाहिए। हे वेट वेट, पहले कैश करा लेते हैं। ओके। हेलो सर। हेलो। गिव मी द कैश। हाउ आर यू? इन व्हिच करेंसी? इन डॉलर्स ओनली। एंड हाउ मच? हंड्रेड्स। ओके। क्या बात है, बाजी लग गई। Hey man!
something fishing going on. Who is this guy? Check him out. Okay, sir. Hey, you. चलो निकलो यहाँ से। क्यों क्यों बता दो कर। इससे जान नहीं छुड़ाई तो 100 साल तक हांगकांग के जेल में। बॉस आज तक कौन क्या है, किससे क्या रिश्ता है, हमने एक दूसरे से कभी नहीं पूछा। आज एक बात पूछूं बॉस? पूछो। आपका और प्रिया का क्या रिश्ता है बॉस? मान लो चोर पुलिस का रिश्ता है। चोर पुलिस का? तो फिर चोर कौन है, पुलिस कौन है? गन किसके पास है? गन? इसका मतलब आप पुलिस हैं है? और प्रिया चोर? नहीं नहीं चोर नहीं। तो हमारी किडनी काम करने बंद कर देगी। अरे बाप रे, ये कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा। बॉस कहीं ऐसा तो नहीं उस चोरनी ने मुझे एड्रेस देकर, डील करवाकर, एग्रीमेंट करवाकर मेरे जरिए आपको यहाँ पे बुलाया है? हाँ। बॉस मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये प्रिया की कार है, प्रिया का गाड़ी नंबर और हमारा वीडियो कैसीनो में रिकॉर्ड हो गया है। वो लोग हमें ढूंढते हुए कभी भी आ जाएंगे बॉस। उनके आने के लिए मैंने सब कुछ किया है। आने दो। व्हाट मैन, आने दो। तुम सब लोग कर क्या रहे थे? सच बाहर गया तो हमारे कैसीनो का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। वहां क्या हुआ है मुझे अभी जानना है। कम ऑन, सारे सीसीटीवी को रिवाइंड करो। अभी रिवाइंड कैमरा 22 जूम फ्रीज। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नोट द कार नंबर और उसका एड्रेस निकालो। बेंजामिन कर क्या रहा है? हेलो, व्हाट? वन मोर फोटो प्लीज। कम ऑन यार, लगता है इसे उड़ाना ही पड़ेगा, वहीं सही रहेगा। हे वेट यार, वन मोर प्लीज। थैंक यू, इट्स ओके। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग बेंजामिन? वो इसी शहर में है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैं आप ही का काम कर रहा हूँ, उसी को तलाश कर रहा हूँ। hey, उसे ढूंढने के लिए पैसे नहीं मिले तुम्हें? आई वॉन्ट लक्ष्मी नारायण डेड, नॉट अलाइव। यस, आई विल फिनिश हिम। सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहेंगे हम, अपने आदमियों को भेजकर खत्म कर दो उसे। ओके सर, स्मैश इट। हे भगवान, इस मुसीबत से मुझे बचा ले भगवान। मेरी तस्वीर भी कैमरे में आ गई होगी तो मेरा राम नाम सत्य तो पक्का है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाके छुपूं, कहां छुपूं? यहां से भागने की कोशिश की तो पुलिस मुझे मार डालेगी। यहाँ रहा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं खुद ही मर जाता हूँ कला दबा के। ये भी मुझसे नहीं होता, क्या करूँ क्या करूँ? यहाँ से भाग जाता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ और कुछ नहीं कर सकता मैं, भागता हूँ। अरे बाप रे, कहाँ जाऊँ? आइडिया, लक्ष्मी नारायण, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। नंबर बदल जाने से घर नहीं बदल जाता है। कौन लोग? लक्ष्मी नारायण के फ्रेंड्स। ओह,
लक्ष्मी के फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, बहुत चालाक है लक्ष्मी। वेट 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 वाई 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 फोटो वाई वाई। तुम लक्ष्मी के फ्रेंड हो ना, इसीलिए ले रहा हूँ। आप दोनों भी बड़े चालाक हो। या कम कम कम, आइए 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 आइए। तुम पीछे के दरवाजे से जाओ, मैं आगे के दरवाजे से जाता हूँ। वेट 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 वेट, इस घर में सिर्फ एक ही दरवाजा है, इस घर के सारी डिटेल सिर्फ मैं जानता हूँ। जस्ट फॉलो मी। या कम 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 कम, या कम। अब जाके जान में जान आई। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ए असिस्टेंट, मेरी परमिशन के बिना तुम इन्हें अंदर कैसे ले आए? मैम, ये बॉडीगार्ड के फ्रेंड्स हैं मैम। मेरी परमिशन के बिना तुमने फोटो क्यों खींची? डिलीट करो उसे। काली देवी, अग्नि देवी, दुर्गा देवी को एक साथ तुमने देखा है कभी? सटक गए तो काट डालेगी। डिलीट करो मैम। पहली बार मारने से पहले डिलीट कर रहा हूँ। नाइस मैम। मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चाहिए तो फोटो ले लेना। ओके, यस मैम। बच गया नहीं तो पागल कर देती है मैम। ए बॉडीगार्ड, आपके फ्रेंड्स आए हैं, जाकर मिल लो। या कमिंग। दैट इज 10 लक्ष्मी। यस, कौन है आप लोग? यू आर अंडर अरेस्ट। हे, डोंट शूट, मुझे उसे अरेस्ट करना है। इतने सारे हथियार बॉस, अंडरग्राउंड में तो पूरा अंडरवर्ल्ड है।
सीआई ऑफिसर। बॉस ये तो कमाल का नेटवर्क है, मैं तो प्रिया को कुछ और ही समझ रहा था। बॉस वो तो लेडी डॉन है बॉस। सर प्लीज मेरा बिल पे कर दीजिए सर, मैं दे दूंगा पक्का पक्का। देवराज को तू डील कर रहा है? सच में दे दूंगा। बॉस इतने फोटो में इस एक आदमी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किसे? वो कौन है ये तो नहीं जानता, लेकिन 24 घंटे फुल टाइट रहता है बॉस। कहाँ? पहले बिल भरो, बाद में डील की बात करो। डील करने की ड्यूटी मैंने छोड़ दी मैन, पहले इन्फॉर्मेशन दो, सारे बिल मैं भरूंगा। बैठो बैठो बैठो, यहाँ सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बैठो सुनो सुनो, फोटो जलाने से वो मर नहीं जाएगी। कहां है वो बताओ, मैं उसे मार दूंगा। मजा आ गया क्या? मैन मैं भी कुछ ऐसे समझाता, मामला गंभीर है। मेरा तुम्हारा लेवल ये है, बॉस का लेवल ये है। उसका लेवल ना ये, बॉस इसे नीचे ला देंगे। उसे क्या तुम लोग शोकेश में रखी हुई गुड़िया समझ रहे हो? वो एक कयामत है। उसकी रेंज क्या है पता है? मेरे बॉस के कसीनो में मैं ही सुपरवाइजर था, रेशमा वहां पर मेरी असिस्टेंट थी। हेलो सर। या अमाउंट ट्रांसफर हो गया? यस सर। गुड, देखो तुम्हारा उतना ही काम नहीं है। यहाँ जितने भी वीआईपी आते हैं उन सब पर तुम्हें नजर रखनी है। ओके ओके सर। उस दिन क्या हुआ पता है? ऑस्ट्रेलिया से वहाँ पर 4 वीआईपी आए थे। हेलो, वेलकम टू कैसीनो। ओह ये ये। शी इज रेशमा। हेलो। शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू। वी डोंट नीड एनी असिस्टेंस। वी विल बी प्लेइंग ऑन आवर ओन एंड वी नीड फुल फ्रीडम। ओके, एज यू विश। प्लीज कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी सर। मुझे इन लोगों पर शक हो रहा है। ये वीआईपी बनकर आए हैं पर मुझे चीटर दिख रहे हैं। रेशमा रेशमा, never cross your limits. It's not like that, sir. मेरे कहने का मतलब तुम मुझसे समझदार हो क्या? मुझसे ज्यादा जानती हो? मुझे समझाना छोड़कर तुम अपना काम करो। Just go. उस दिन उसने जो कहा था उससे मैंने निगलेक्ट कर दिया था। ये मेरी बदकिस्मती। उस दिन बॉस भी कसिनो में ही मौजूद थे। उस दिन आए हुए वो 4 कस्टमर्स चीटिंग करके जीत रहे थे। रेशमा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। No, sorry, I'm sorry. I'm really sorry. No. Yeah! She is dynamic. ये सब देखने के बाद हमारे बॉस रेशमा पर इंप्रेस्ड हो गए। तुम्हारी स्मार्टनेस को देखते हुए तुम्हारे रहने की जगह ये नहीं है। उसके बाद रेशमा का कद इतना बढ़ गया कि बॉस ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। और उस दिन मुझे ऐसी लात पड़ी, उस लेवल से मैं इस लेवल में आ गया। वो है कहां बताओगे? Thank you.
इंपॉर्टेंट बात जरूर है। यस यस yes. तुम लोगों की बात बिल्कुल सही है। तुम लोगों की डर, डाउट्स और प्रॉब्लम्स की क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने सबको बुलाया है। यहां मौजूद सब लोग होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट। हमारे सिस्टम में कहीं भी लीक नहीं है। दुनिया के किसी भी इंटेलिजेंस को हमारे नेटवर्क पर डाउट नहीं है। डे बाय डे हमारा सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। थैंक यू। तो फिर ये बताओ मुकेश की क्या कहानी है? वेट वेट वेट, उसी बात पर आ रहा हूं। उस दिन ऐसा हुआ कि शिट, क्या हो रहा है ये बास्टर्ड? डांसर को उसने कैसे पहचान लिया? सर वो hey, तुम सब लोग कर क्या रहे थे? अब कॉल रेशमा। सर रेशमा hey, उसमें काबिलियत है, ये केस वही हैंडल करेगी। उसे एक बेहतरीन डांसर बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। रेशमा, मुझे उसके फुल डिटेल्स चाहिए। सर, इन्फॉर्मर को कॉल करो। स्पेशलिस्ट क्या कर रहा है? दूसरा असाइनमेंट में बिजी है सर, लाइन नहीं मिल रहा है सर। अरे इसकी, उसे ढूंढो, लाइन पर बने रहो। ओके सर। मेरा दूसरा चेहरा अभी तक तुमने नहीं देखा। मेरा जो चेहरा अब तुम देखोगी वो थोड़ा अलग है। दोबारा इस तरह से नहीं होना चाहिए। हेलो
What? Specialist is dead. लाइन पर आने से पहले ही वो मर चुका था। इस ऑपरेशन को कुछ दिन पहले ही तुम्हें सौंप दिया होता तो शायद वो बच जाता। बड़ी मेहनत से उन दोनों को तैयार किया था। मेरे दोनों हथियार बर्बाद हो गए। अब वो लक्ष्मी नारायण जिंदा नहीं छोड़ना है, उसकी पूरी फैमिली का सर्वनाश कर देना है। सर, उसकी वीकनेस उसकी वाइफ है। सुना है उसकी वाइफ किसी क्रिमिनल के साथ भाग गई, इसलिए वह क्रिमिनल को ढूंढता है और मार देता है। ठीक है, उसका पता लगाओ एंड किल हर। सर, मारने से अच्छा है उसे जिंदा पकड़ा जाए। वेरी इंटेलिजेंट। उसकी बीवी दिखने में कैसी है? आई वॉन्ट हर फोटोग्राफ। थैंक यू मिसेस प्रिया लक्ष्मी नारायण। मैं समझ रहा था कि लक्ष्मी नारायण की एक ही बीवी है, यहां तो दो दो बीवियां निकली। लकी। प्रिया, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। फॉर हाउ लॉन्ग? क्या नाटक खेला तुमने? इस पूरी दुनिया में तुम दोनों जितना समझदार पति पत्नी और कोई नहीं है। तेरा पति देश के लिए जान देना चाहता है और तू अपने पति के लिए प्राण देने का इतना शौक है। तुम दोनों को देशभक्ति का इतना जुनून है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तुम हमारी जान क्यों लेना चाहते हो? मैं जानता हूं सीबीआई ने यह काम तुम्हारे पति को नहीं सौंपा है, फिर भी वो ये काम जानबूझकर कर रहा है और तुम उसकी एजेंट। मेरे स्पेशलिस्ट को मारने तक तुम उसे इंफॉर्मेशन देती रही। इतना सब कुछ जानने के बाद वो क्या यहां नहीं आएगा? जरूर आएगा, लेकिन मेरे हाथों से फिनिश होगा। I will kill him. वो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो तुमसे मार दोगे। मेरा पति है वो, लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। मैं सामने रहती हूँ तो 1000 volt, नहीं रहती तो 5000 volt। अगर मैं मर गई तो पावर स्टेशन बन जाएगा, वो ब्लास्ट करके रख देगा। पावर स्टेशन। पावर स्टेशन ब्लास्ट करेगा। कितना भरोसा है तुझे उस पर? पहले उसे मैं ब्लास्ट करूंगा, फिर तुझे मारूंगा। कहानी ये है। लुक, लक्ष्मी नारायण मर गया, इस खुशी में ये सेलिब्रेशन। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुकेश कैसे मारा? उसकी मौत का भी वही जिम्मेदार है। स्पेशलिस्ट के साथ डायरेक्टली मनी ट्रांजैक्शन का डील किया और फंस गया। हमारे सिस्टम में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लीक हो जाती है, और इस तरह मैं तुम लोगों को बचा लेता हूँ। इंडिया के किसी भी शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं होती। सब कुछ सैटेलाइट के जरिए मैं खुद यहां से ऑपरेट करता हूं। एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। गवर्नमेंट, प्रेस, पब्लिक, चैनल, सबको पता चलने से पहले मैं तुम सब लोगों को सेव कर लेता हूं। एक छोटा सा काम है, फिनिश करके आता हूं। लक्ष्मी नारायण आया क्या? कहां से आएगा? 5000 volt फ्यूज हो गया, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी तूने, क्या हुआ? कहां से आएगा? ए, लक्ष्मी नारायण मर गया।
अगर मेरा पति मर गया होता तो मैं भी जिंदा नहीं होती। दिल से दिल का रिश्ता है ये, तुम नहीं समझोगे। क्या कहा? आएगा मेरा लक्ष्मी, मेरे लिए जरूर आएगा। तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी होगी। कब तक जीना चाहती है तू? तुम्हें जीने के लिए कितना वक्त चाहिए? अब भी विश्वास है तुझे? कितना टाइम चाहिए? 10 घंटा? 15 घंटा? जाने दो, पूरे 24 घंटे देता हूं। 24 आवर्स। फ्लोर्स पर नजर रखना। अनजान आदमी को तुरंत गोली मारना। कितना भी बड़ा पाप किया होता तो मैं माफ कर देता, लेकिन देशद्रोही को। सर,
आप यहाँ? मैं इस गद्दार को माफ नहीं करूंगा। छोड़िए सर, मुझे छोड़िए। जैसा तुम सोच रहे हो वो क्रिमिनल नहीं है, ये एक सीबीआई ऑफिसर है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? यस मे आई कम इन सर? वेलकम मिसेस प्रिया लक्ष्मी नारायण, तुम इस वक्त इंटरव्यू हॉल में आई हो, प्लीज कम इन। जो भी जवाब तुमने दिया वो तुम्हारे ब्रिलियंस का सबसे बड़ा सबूत है। इस देश के हालात को तुमने बहुत गहराई से पढ़ा है। अगर इस देश के टेररिस्ट को हमें जड़ से उखाड़ना है तो हमें उनके अंदर घुस के उनके साथ मिलकर ही उन्हें खत्म करना होगा। इस तरीके से उनके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने का तुम्हारा ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। आई लाइक इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी कैंडिडेट बनकर लंबे समय तक मेरा साथ निभाओगी। यू आर सेलेक्टेड। थैंक यू सर। ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा प्रेसिडेंट को भी नहीं पता चलनी चाहिए। सर? जी हाँ, तुम्हारी सेलेक्ट की हुई फाइल प्रेसिडेंट के हाथों तक पहुंचने से पहले क्रिमिनल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद हम आगे कोई भी प्लान फॉलो करेंगे हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें सीबीआई के लिए अंडरकवर एजेंट बनकर ही रहना होगा। यू गॉट इट? आई एम सॉरी सर, पब्लिक को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को पता नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पति को बताए बिना मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं यहाँ तक अपने पति की वजह से ही तो आई हूँ। आई एम सॉरी सर। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है क्या? यस सर। हेलो, व्हाट बम ब्लास्ट? लक्ष्मी नारायण को क्या हुआ? कोई नहीं बचा क्या? बॉम्ब स्क्वाड को जल्दी से इन्फॉर्म कर दिया। सर क्या हुआ? सर सर मेरी पति लक्ष्मी को क्या हुआ? आई विल बी देयर। सर लक्ष्मी नारायण को क्या हुआ? सर वो ठीक तो है ना? इट्स अ फेक कॉल। सर रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। सेंटिमेंट, यही हमारे देश की बदकिस्मती और देश की बर्बादी। तुम्हारे पति को क्या हुआ होगा ये सोचकर तुम तड़प गई हो। इन हादसों में न जाने कितने लोग मर चुके हैं, कितने परिवार आंसू बहा रहे हैं। उनकी जगह पर ठहर कर एक बार जरा सोच कर देखो, उसके बाद जो फैसला तुम करोगी वो इस देश के लिए एक मिसाल कायम होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके सर। उसके बाद तुम्हारी प्रिया रेशमा में बदल गई। उसके बाद वो खुद एक टेररिस्ट बनकर गई। टेररिस्ट संगठन से मुलाकात हुई, उन्हीं में से एक बनकर टेररिज्म की जड़ काटते हुए यहां तक वो आ पहुंची और टाइम टू टाइम मुझे हर बात की इंफॉर्मेशन देती रही। प्रिया तुम्हारी पत्नी इसीलिए इस मिशन के लिए सेलेक्ट हुई, क्योंकि उस पर कोई भी मुसीबत आई तो उसके पीछे चट्टान की तरह खड़े हो। इसीलिए प्रिया अभी तक सीबीआई की एजेंट है, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। प्रिया जब हांगकांग पहुंची शी वॉज कैरिंग, आई मीन ये प्रेग्नेंट थी। देश की खातिर तुम यहां तक आ चुकी हो, उसी देश की खातिर इस बच्चे को कुर्बान कर दो। सॉरी सर, मैं अपने पति को बताए बगैर यहाँ आई, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन बच्चे की कुर्बानी देखकर मैं उनसे विश्वासघात नहीं कर सकती। मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ सर। तुम एक क्रिमिनल के साथ भाग चुकी हो, ऐसी अफवाह मैं फैला चुका हूँ, फिर से एक नई बदनामी सिर पे क्यों ले रही हो? जब ये मिशन पूरा करके हिंदुस्तान लौटोगी तो तुम्हारा पति नहीं सारा देश तुम पर गर्व करेगा। ओके सर, मैं बच्चे को जन्म दूंगी और ये मिशन भी पूरा करूंगी।
लक्ष्मी, टाइम नहीं है। अगर देर की तो वो कहीं और चला जाएगा। प्रिया की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वेलकम लक्ष्मी नारायण, वेलकम। तुम यहां जरूर आओगे, यह मुझे अच्छी तरह से पता था। मैं जानता हूं लक्ष्मी, अच्छी तरह से जानता हूं तुझ में कितनी ज्यादा पावर है। तेरे सामने कितने भी लोग आ जाए लेकिन तू उन्हें मार सकता है, मैंने देखा है ये सब। लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया दिखाना चाहता हूं। लुक, देखो दौलत, पूरी दुनिया को मैं उंगलियों पे नचा सकता हूं। तुम्हारे देश की ब्लैक मनी मेरे सीक्रेट लॉकर में है, उसे भी मैं दिखा सकता हूं तुम्हें। लेकिन छूने नहीं दूंगा। लेकिन तुम मुझसे अगर हाथ मिला लो तो तुम भी इसके हिस्सेदार बन सकते हो। लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, जब मेरे नाम में ही लक्ष्मी है तो तू मुझे क्या देगा? और सुन ले, मेरा देश मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। ओके ओके ओके, तुम्हें दौलत नहीं चाहिए, तुम्हें अपने जान की भी परवाह नहीं है, तुम्हें तुम्हारा देश प्यारा है ना? तो देख तेरी आंखों के सामने ही तेरे प्यारे देश को मैं किस तरह बर्बाद करता हूं। अपने देश को बर्बाद होते हुए देखो, देखो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, सीरियल ब्लास्ट, टोटल इंडिया स्मैश। सड़कों से लाशों को उठाने के लिए विदेशों से मजदूरों को बुलाना पड़ेगा, वो भी इस देश में कम पड़ जाएंगे, इतना बुरा हाल कर दूंगा मैं। ए, वेट वेट वेट, नो चांस लक्ष्मी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ओके, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं करूंगा। ओके, दूर से ही अपने लोगों को मरते हुए देख लेना।
प्रकाश। हे, ये क्या हो रहा है ये? मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बीवी। बचाइए जी, हमें बचाइए जी। हे, बचाइए हमें इन लोगों से। डैडी, ये मेरे बच्चे। हे लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हें कहां से मिले? खान, टेंशन क्यों ले रहा है? इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? मैंने कहा था ना, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। लक्ष्मी, मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना प्लीज। तेरी तो, मेरे देश वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? देख, तू जो बोलेगा मैं मानूंगा। खुदा के लिए मेरी फैमिली को छोड़ दे भाई। ये मेरी फैमिली है यार। ए, मारने वाला मर्द नहीं होता, मौत से टक्कर लेने वाला मर्द होता है। ये बता, औरों को मारने में तो मजा आता है, अपने परिवार के टाइम हवा निकल गई? सिर्फ तेरे बीवी बच्चे तेरे लिए इंपॉर्टेंट है? हा? दूसरों के परिवार की कोई वैल्यू नहीं? देखो, जितनों को तूने बर्बाद किया है उनकी फैमिलीज पर क्या गुजरी होगी? तेरी फैमिली तो तुझे आंखों के सामने चाहिए। दूसरों के साथ बम की होली खेलेगा? उनके दर्द के बारे में कभी सोचा? जा, बम को डीएक्टिवेट कर। नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे। शूट देम। ये तो सिर्फ सैंपल है, अगर तूने बम डीएक्टिवेट नहीं किया तो तेरी फैमिली का कब्रिस्तान यहीं तेरी आंखों के सामने बना दूंगा। नहीं नहीं, मैं जा, ऐसा मत करना। बम डीएक्टिवेट कर। नहीं नहीं, जा। मैं डीएक्टिवेट करता हूं डीएक्टिवेट। उन्हें कुछ मत करना। लक्ष्मी, बीवी बच्चों को कुछ मत करना प्लीज। खुदा के लिए मेरी फैमिली को कुछ मत करना प्लीज। बता, अब कहां गया तेरा जिहाद, तेरा वो मजहब? मजहब को बदनाम करने वाले तुझ जैसे शैतान देश का प्यार क्या जानेगा? बता, कोड बता, इंडियन ब्लैक मनी लिस्ट और टेररिस्ट के नाम। बॉल कौन कौन नेता इसमें है? बताता हूँ। वादियों के साथ गहरे संबंध रहे हैं। प्लीज बताइए सर, क्या आप भी इसमें शामिल हैं? सर, सर ये एक सवाल। सर, कहा जाता है कि आतंकवादियों को इनकी तरफ से काफी सहायता मिल रही है। अपने काले हमारे देश में अगर वो लोग कर पाए हैं तो इन लोगों की ही वजह से। सूचना मिली है पुलिस को देश के बड़े बड़े राज्य शामिल इंक्वायरी। सरकार ने कहा है कि आरोपियों को सख्त सजा दी जाएगी। बॉस बॉस बॉस, ए राज क्या कर रहा है? वो डील पेपर मुझे लौटा दो, कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा लूंगा। बॉस, तेरे डील और गन ने मेरा बहुत फायदा किया, मैं उन्हें अपने पास रखूंगा। बॉस, आप इस नाचीज पर इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं? बॉस, जुल्म नहीं, नौकरी दे रहा हूं। सीबीआई एजेंट राज। मिस्टर बॉन्ड 009। मिस्टर बॉन्ड, तुम्हारा बॉन्ड पेपर मेरे पास है, जरा संभाल के। हां, वो एजेंट राज, दैट्स बेटर। थैंक यू डैडी। यस बेटू, मुझे झूठ क्यों कहा कि आप मेरे बॉडीगार्ड हैं? क्या करूं बिट्टू रानी, तुम्हारी मम्मी को नहीं बताया था ना? कोई बात नहीं, अगली बार मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा। वो कैसे आएगा ना, वो दशकंठ सच में?